अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साजभो स्टाइल चैनल। आज मैं पका रही हूँ चिकन और शिमला मिर्च का ग्रेवी। ये रोटी के लिए मैं पका रही हूँ, दो आदमी के लिए। इसके लिए मैं क्या क्या तैयारी करी हूँ चले देखें। ये बोनस चिकन लेके हूँ, इसे छोटे पीस करके रखी हूँ, और ये शिमला मिर्च इसे भी छोटे करके रखी हूँ, काट के रखी हूँ, और ये दो मीडियम प्याज इसे भी छोटे कट करके रखी हूँ, हरिया धनिया, कस्तूरी मेथी, हल्दी, मिर्ची, धनिया ये आधा आधा स्पून लेके हूँ, और ये जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर इसे भी हाफ स्पून लेके हूँ, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हरिया धनिया, हरी मिर्ची पीस के इसे भी पेस्ट करके रखी हूँ, और ये गरम मसाला ये हाफ स्पून लेके हूँ, ये दो तीन टमाटर लेके हूँ इसे धर धरा पीसी हुई हूँ, और टेस्ट के हिसाब से नमक, और चले देखें पकाने के लिए। और ये मैगी चिकन पीस है, ये भी हाफ पड़ेगा इसमें, ये हर शॉप में इजीली मिल जाता है, इस तरह से देखने के लिए इस तरह से मिलेगा। ये हाफ स्पून हाफ कट करके इसमें मैं डालूंगी, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारा पैन गरम हो गया है, और थोड़ा ऑयल डालें, मैंने दो स्पून ऑयल डाला है, इसे गरम होने दे। अब प्याज डालें, थोड़ा ब्राउन होने दे। हमारा प्याज थोड़ा ब्राउन हो चुका है, अब अदरक लहसुन का पेस्ट इसे भी थोड़ा तल ले, भून ले। और उसके साथ चिकन पीस डाले, इसे भी थोड़ा चला ले, थोड़ा भून ले। और थोड़ा नमक डाले, देखिए हमारा चिकन पीस वेट हो चुका है इस तरह से। और इसमें मसाला डाले, लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया, इसे भी थोड़ा चला ले। अब टमाटो प्यूरी डाले, इससे 5-10 सेकेंड पकने दे, और टमाटे का कच्चापन और चिकन भी थोड़ा गलने दे। देखे हमारा चिकन पीस गल चुका है, और इसके साथ शिमला मिर्च ऐड करें। ये हाफ बॉयल होना चाहिए शिमला मिर्च, हाफ ऑयल खाने से बहुत टेस्टी रहता है।
और इसके साथ ही गरम मसाला और जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर और थोड़ा कस्तूरी मेथी। और थोड़ा हाफ बॉल पानी डाल रही हूँ और पूरा मिक्स कर ले और इसमें चेक कर ले नमक मिर्च सब बराबर है क्या, चेक कर ले। ये सब मिक्स कर ली हूँ और उसके साथ ये मैगी मसाला हाफ पीस डालती हूँ। ये हूँ ऐसा ही घुलने दे, घुल जाएगा ये पीस और थोड़ी देर इसे पका ले। ये चिकन पीस डालने से चिकन का टेस्ट और भी उभर आएगा। ये हाफ पीस, इसमें दो पीस आता है, इसमें एक पीस में डाल दी और एक पीस में हाफ पीस डाली हूँ। पहला एक यूज कर डाली और एक पीस में हाफ डाल के हूँ, हाफ है ये। और आप भी खरीद के इसमें ऐसे एक छोटा छोटा रेसिपी में डाले तो बहुत टेस्ट है और चिकन मसाला का बहुत टेस्टी आता है। इसे अब दम को छोड़ दें, दो मिनट के लिए दम को रख दें। हमारा ग्रेवी दम शुरू हो चुका है, इसे हाफ कर दे, स्टोव हाफ कर दे और थोड़ी देर ऐसे ही रहने दे। और इसके ऊपर धनिया डाल दे, हरिया धनिया डाल दे। अब हमारा ग्रेवी तैयार है सर्व करने के लिए। ये बहुत खुशबू आ रहा है, अच्छा दिख रहा है और टेस्टी खाने के लिए भी टेस्टी दिख रहा है। आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो इंशाल्लाह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए ये कैसा आप भी पकाइए और ये कैसा दिखता है और कैसा पकाने में टेस्टी हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।